Okay guys, good evening. Just give me a moment. Yeah. Okay, Arnav, Ritvik. Yeah, good evening everyone. Good evening, good evening. Okay. Okay, just who all are not here, give me. Okay, good evening. Square root का छोड़ दो, अभी कोई doubt है सबके आने के बाद पूछेंगे, उसके अलावा कोई doubt है तो बताओ, other than square root let everybody come, I'll clarify. Two doubts I have to clarify from yesterday. Arshia, good evening. Okay, other than square root, any doubts, guys? बताओ. स्क्वायर रूट का मैं सबके आने के बाद ही कवर करता हूँ. आई थिंक आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे. सैटरडे संडे आई विल ऑर्गेनाइज योर रिवीजन क्लास एंड ए टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके ओके श्रीका, गुड इवनिंग. ओके श्रीका, आपका जो जो डाउट था उसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ. जो आपने पूछा था कि प्लम पुडिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, किससे रिलेटेड है. ठीक है गाइस, आप लोगों ने सुना होगा ये एटम वाले चैप्टर से है. तो एटम्स में क्या होता है, एटम्स का जो स्ट्रक्चर है इट इज लाइक दिस. देयर इज अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हैज गॉट टू थिंग्स, विच इज वन इज प्रोटोन which is positively charged, this is positive charge, and neutron which is neutral, no charge. ये nucleus होता है और इसके चारों तरफ negative particles घूमते रहते हैं, which are called electrons. Now today is this model, but when this model was not invented, by the time it was not, this model not discovered, not invented, discovered. Before this was discovered, people are trying to find out कि atom के अंदर क्या-क्या होता है and all that. तो जे.जे. थॉमसन ने एक थ्योरी दी थी अपनी. जे.जे. थॉमसन की जो थ्योरी होती है, जे.जे. थॉमसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन. जे.जे. थॉमसन सेड दैट एटम इज लाइक अ प्लम पुडिंग. प्लम पुडिंग भी यूएस वाले बोलते हैं, हमारे यहाँ तो ज्यादातर उसको वाटर मेलन कॉन्सेप्ट बताते हैं. प्लम पुडिंग, प्लम तुम लोगों ने खाए हैं कि नहीं पता नहीं. प्लम होते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट टाइप का होता है, प्लम हल्का सा बिटरनेस होती है उसके अंदर. रिटर्न ठीक. तो प्लम पुडिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये प्लम, ये पुडिंग है तुम्हारी, ये केक है, केक टाइप का, पुडिंग टाइप का है. इसके अंदर तो ये पुडिंग जो है पूरी, ये पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पूरा इधर पूरा पॉजिटिव चार्ज. और इसके बीच बीच के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं विच आर लाइक प्लम्स, जैसे पुडिंग के अंदर डाल देते प्लम्स, एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. इसी मॉडल को वाटरमेलन कॉन्सेप्ट भी बताते हैं कि वाटरमेलन की तरह होता है. वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट होता है दैट इज पॉजिटिव, रेड पार्ट इज पॉजिटिव वाटरमेलन, तरबूज. एंड जो बीज है उसके ब्लैक सीड, ये इनको नेगेटिव. तो जे.जे. थॉमसन ने कहा क्योंकि ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ओवरऑल एटम आपका न्यूट्रल बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था गोल्डस्टाइन. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो उसके बाद बाकी बातें पता चली. ठीक है, नाउ श्रीका इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके राइट गाइस, लेट्स गो अहेड. See, I'm still working on the YouTube video. मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए उस क्वालिटी अभी इम्प्रूव नहीं हो पा रही. बहुत सारी चीजें इम्प्रूव करनी है धीरे धीरे. आई विल ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ द नॉर्मल यूट्यूब जो बाकी यूट्यूबर्स डालते हैं. एंड आई मीन नीड टू हायर फॉर सम बाय समथिंग्स एंड ऑल दैट. फॉर दैट टाइम मेरे को थोड़ा सा नहीं मिल रहा.
we'll work on that. Okay, right now, whatever I'm able to do, I'm sending it as a link. Okay, there's two things I have to clarify from yesterday's this thing. I also got that mixed up. So I need to clarify that first. Firstly, this method of triple digit square, na, jo shortcut hai, usko main confused khud hi ho gaya tha. Tum bata do tumhe uske teen steps kya hai. Halanki main pehle hi bataya hoga. Problem hoti kya hai ki is tricks ko bahut kam use kiya jata hai, especially three digit ko. Main to bahut hi kam use karta hu. Usme I got confused. Let me just clarify that. So we had a number 132. So this is your three digit square trick. टू डिजिट स्क्वायर ट्रिक तो सबको याद ही होगी, वो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी टू डिजिट में हम क्या कर रहे हैं, टू डिजिट स्क्वायर ट्रिक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो जैसे कोई भी नंबर है, फोर एंड सेवन ले लिया. सो फर्स्ट स्टेप वन में क्या कर रहे हैं, फोर इंटू सेवन इंटू टू 56 हो जाएगा. फर्स्ट स्टेप वन. स्टेप टू, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 16, यहां एक क्रॉस लगा दो और जो भी आया उसको ऐड कर दो 56. सो 9, 10 कैरी 1, 12 कैरी 1, 2, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर. ये तो आसान है, इसमें तो कोई टेंशन अपने को हो नहीं रही. इसके अंदर थोड़ा सा जस्ट प्रोसेसर अलग है. पहली बात तो फर्स्टली वी हैव टू सी व्हाट इज द बेस ऑफ दिस. सो बेस आइदर विल बी 100 और 200 और 300. So here the base is 100 because it is near to 100. I am taking it as 100 plus 32. So first step one में क्या करना है आपने, step one, ये 100 से जितना ज्यादा है ना उसका double करके add कर दो इसके अंदर. 32 को into 2 कर दो, 2 into 32. जो भी आएगा यहां लिख दो 164. Step one is this. इसको हटा रहा हूं अभी, बाद में कर. Step 2, take the last two digit and make it a square. 32 ka square hota hai 1024. Step 2 is this. Square of last two digit. Now, out of this, step 3 kehta hai, only take last two digit. Only take last two digit, to 2 or 4, on balance digits are carry. Carry होके कहाँ जाएंगी? It will go and add to this. So this will become 164 plus 10 is equal to 174. This is how you'll get it. This is the process. The mistake I made yesterday was I only took this, but you are supposed to take both these two digits. Yeah. Dobara explain karo. Okay. This is clear? Two digit. ओके, टू डिजिट भाई सबका क्लियर है? कोई बताओ किसको नहीं आ रहा तो होता. एवरीवन, अभिनव, वंश, एवरीवन क्लियर है टू डिजिट? ओके, ठीक है. शिव, 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 श्रीका, शिव, श्रीका, शिव कंफर्म कर. हाँ, शिव कंफर्म कर मेरे को जल्दी. ओके, नाउ कमिंग टू थ्री डिजिट. थ्री डिजिट का जो नंबर आया, इस नंबर को देखना है 100 के पास है कि 200 के पास है. 200 का भी एक एग्जाम्पल लूंगा मैं भी. अब ये तो नंबर 100 के पास है तो उसका बेस 100 है. देखो 100 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसको डबल करके ऐड कर दो 100 के अंदर. ये 32 ज्यादा था, मैंने डबल करके 164 कर दिया. स्टेप वन. स्टेप टू, टेक द लास्ट टू डिजिट्स एंड मेक ए स्क्वायर ऑफ इट. मेक ए स्क्वायर ऑफ इट. इसके लिए बेहतर हुआ कि तुम अराउंड 20, 25, 30 तक के याद कर लो स्क्वायर, तो जल्दी हो जाएगा. 32 का स्क्वायर होता है 1024. नाउ फ्रॉम दिस जस्ट टेक टू लास्ट टू डिजिट एंड प्लेस देम हियर, और जो बाकी के डिजिट्स है उनको यहां ऐड कर दो इसके अंदर.
I had 10, now it is 164. So I have added 10 to this 174. So 132 square is equal to 17424. Okay. Take another example. Let's take one more example. Let me take a smaller number. Let's take 103 ka square. So I have seen that this is 100 plus 3. What I'll do is 100 plus 3 into 2 karunga. So I'll get 106. I'll take the last two digits here. See their square. 3, 3 is a 9. But I'll not write 9. I will write it as 0, 9. So my answer is 103 whole square is equal to 10609. हाँ जी, वो एक्चुअली बेटा देखो शॉर्टकट्स के अंदर ना एक्सप्लेनेशन नहीं होती, स्टेप होता है. कैसे, आई विल टेल यू हाउ आई गॉट दिस. यहाँ जो भी नंबर है, लाइक इट वाज 32 हियर, आई मल्टीप्लाइड 30 बाय 2 एंड पुट 64 हियर, 164. सिमिलरली व्हाट आई हैव डन हियर इज 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से. सो व्हाट एवर मोर देन 100 बेस से जितना भी ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसको डबल करके बेस के साथ ऐड कर दो. एंड देन जो लास्ट टू डिजिट को स्क्वायर करो, जो भी आया उसको टू डिजिट को ले लो, यहां ऐड कर दो. सपोज करो यहां पे आ जाता मेरे पास 129 या 109, तो मैं 09 को तो रोक लेता, इधर 1 को उठा के इधर ऐड कर देता, देन इट विल बिकम 10709. सो लाइक हियर आई हैड 4 डिजिट्स, 2 आई हैव केप्ट विद माय सेल्फ हियर. And the other two digits are carry. They are carry. They have gone and added to this. So 174. ठीक है? Exam में तो आएगा, तो you will have to do the NCRT method. You will have to do the same thing. What? This is 100 plus 3 into 100 plus 3. But yes, you can do your verification part with this method. ओके, अभी हमला सब कुछ खत्म हो गया, शॉर्टकट मेथड भी खत्म हो गया. बस एक डेसिमल का मुझे आई हैव टू टीच यू हाउ टू वर्क आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर इन विच वी हैव टू गो टू डेसिमल. ओके, सो दैट प्रोसेस आई गॉट मिक्स्ड अप यस्टरडे लिटिल बिट विद दैट 6214. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसी से आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट, बिकॉज उसमें डबल जीरो लगानी पड़ती है हमें डेसिमल के बाद. ओके, मेरे एक अनर एक मिनट रुकना. वो जो कल जो फिगर थी उसका मेरे को याद करके बताना क्या था, जरा चेक करके क्या. सिक्स, आई थिंक इट वाज 6412. हाँ अनर, गो अहेड. ओके, सो स्टेप टू आई विल टेल यू, व्हाट एवर द नंबर इज देयर यू हैव टू सी बेस विल बी आइदर 100 200 300 व्हाट एवर. सो लेट्स से 100 यहाँ पे बेस है, जितना भी बेस है 200 के अंदर ट्रिक अलग है. यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 2, 300 में यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 3. रिमेंबर दिस, बट आई एम नॉट टेकिंग यू देयर बिकॉज फिर कोई लिमिट नहीं है उसकी. अगर टाइम बचेगा तो मैं एक दो ऑप्शन दे दूंगा, करवा दूंगा. सो 100 से कितना ज्यादा है यार, 100 से 3 ज्यादा है, तो जितना भी 100 से ज्यादा है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और यहां पे लिख लो. ठीक, स्टेप 2 पे देखो कि लास्ट की दो डिजिट क्या है, उनका स्क्वायर कर दो. स्क्वायर करके दो डिजिट में ही लिखना है इसको, डोंट पुट सिंगल डिजिट 9, पुट इट 09 एंड देन जस्ट पुट देम नियर बाय टुगेदर 10609 10609. ठीक है ना, टाइम बचता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कराऊंगा उसको. ओके, सो कल हम जो ऐड वाले क्वेश्चन कर रहे थे वो थोड़ा बिकॉज प्रोसेस लंबा है ऑफ ट्रैक हुआ. I'll just explain that add thing again today. So we had a number. The question given to us was, I think this was question number 4, part 4, or question number 5, part 4, I don't remember. Okay. What should be added? What should be added to make it perfect square?
एंड द नंबर विच वॉज गिवन टू अस वॉज आई थिंक 6412. एनीबडी कैन कन्फर्म इन दिस? ओके. सो द प्रोसेस फॉर दिस इज यू स्टार्ट योर नॉर्मल डिविजन मेथड. लाइक आई सेड, फॉर मल्टी and DV options, multiple and division options, you have to use prime factorization. Prime factorization. And for add, subtract, you have to use long division method. Okay, so I'm using long division method. All right, I'm starting. So pair up. Okay, so I can see 8 is 64, 0. Bring down the next pair, 12. Double it, 8 is 16. So I can see that divisor is larger and dividend is divisor is larger, dividend is smaller. So this will not be multiplied. So I can only put a 0 here. So when I put a 0 here, this will be 0 and remainder is 12. So now I can see, agar mere ko puchta what should be subtracted bolta agar, to main seedha bol deta ki 12 should be subtracted. But now I have to find the square of 80 plus 1. 81 ka square I have to find out. Let us see what is the square of 81. So square of 81 by the shortcut trick that we have done should be 2 into 8 into 1 is equal to 16. This should be 1 ka square 01. This should be 8 ka square 64. And 16 should be added to this. So this should become 1656. This is the square, next square after 6412. So what do I need to add? Let us check. So 6561 minus 6412 will be 6561 6412 11 9. This is 5 4. So 149 is the answer. 149 needs to be added. So जब भी add का बात करें आपसे, आप normal square root निकालो, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचाए उसको देखो रिमाइंडर को मत देखो, ऐड में मत देखो, सबट्रैक्ट में, दिस इज द आंसर. ऐड में आप जाओ, उससे अगले वाला स्क्वायर निकाल लो और जो स्क्वायर वैल्यू आई उसमें से इसको माइनस करो. आई होप दिस इज अंडरस्टूड नाउ. हाँ जी हर्षिया सिया, कंफर्म करो ताकि सो दैट वी कैन गो टू नेक्स्ट. अभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा हाउ टू गो इन टू डेसिमल्स to find out the square root. Yeah, Vansh, Jia, Arnav, confirm for everybody. Okay, Jia, okay, Shrika understood? Shiv understood? Ritvik, Abhinav? Okay. Now guys, you will be given questions like this. So, kaise question denge aapko? Ki bhai, kitne log add kare, kitne subtract kare, wo to denge, kitne, kisse division, divide kare, multiple kare, ye bhi denge. Now, next thing we are working on is how to find the square of the numbers which are not perfect squares. Square root of numbers, not square, square root of numbers which are not perfect square. Square root of non-perfect squares. Okay, I'll start with two or three. Dono dikhata hu, but method samajhna kaise hoga. Start with two. Okay, pair up karne ki zarurat nahi, ek hi number hai. Starting. 1 1 ja 1, bacha 1. Double kar diya isko 2. Ye hum pichle us question mein kar sakte the, lekin humse usne ye nahi pucha tha. Humse usne kuch aur pucha tha, isliye us question ko maine wahan chhod diya tha. Now, if you see, this is
स्मॉलर नंबर हेयर, दिस इज लार्जर नंबर. द मोमेंट आई सी दिस इन स्क्वायर रूट, आई एम अलाउड टू पुट अ डेसिमल हेयर एंड देन आई एम अलाउड टू पुट टू जीरो. नॉर्मल डिविजन में क्या होता है, नॉर्मल डिविजन में हम लोगों को फाइव वन जा फाइव टू, यहाँ एक डेसिमल लगा के सिंगल जीरो अलाउड होता है. एंड देन वी डू दिस, नॉर्मल डिविजन में सिंगल जीरो अलाउड है. यहाँ क्या है, यहाँ जैसे जीरो लगाई आपने, आपको डबल जीरो अलाउड है. दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड सिया, सिया समझ में है. नहीं 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 नहीं, स्क्वायर रूट में दो ही लेनी पड़ेंगे आपको, रूल है वो. तो नॉर्मल डिवीजन में सिंगल जीरो लेते हैं. हाँ अभिनव, हाँ अभिनव यार बोल भी लिया करना कभी. क्या केजरीवाल ने क्या टैक्स टैक्स लगा दिया क्या बोलने पे तुम लोगों के, दिल्ली वालों के? फिर ओके ओके, नाउ व्हाट डू यू डू, नाउ यू विल पुट सेम सेम रूल अप्लाइज, व्हाट एवर इज हेयर एज ए पार्ट ऑफ डिविजन विल बी हेयर पार्ट ऑफ क्वेश्चन. सो लेट मी सी क्या लगा सकता हूं मैं इसको. 25 लगाऊंगा तो 125 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. लेट मी ट्राई 4, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 96, लेफ्ट विद 4. वंस अगेन, नाउ एक बार डेसिमल लग गया तो आप बार बार जीरो ले सकते हो. हेलो मैम, उमर क्लास में क्यों नहीं है? मैम एक तो मेरे को फोन करके बताया करो ना, और ऊपर से आप बच्चे का नुकसान करा दे तो. मैसेज कर देते ना, मैसेज कर देते मेरे को. चलो ठीक है, देखिए उसको जैसे जैसे पॉसिबल हो तो करवाइएगा जो है, नहीं तो बोले नोट्स देखेगा पूरे. वीडियो बना के भेज रहा हूँ मैं YouTube, अभी YouTube लिंक देख के समझेगा पूरा, बैठ बैठ जाइएगा साथ में उसके. ठीक है ओके ओके. सो गाइस नाउ यू सी 14, नाउ 14 ट्वाइस द 14 और 14 टू जा 28, राइट. लेट अस सी किससे चलेगा यार, अरे 2 भी करूंगा तो 56 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. आई थिंक ओनली वे आई कैन डू दिस इज 1. सो 281, आई एम लेफ्ट विद 119. इफ आई वांट टू गो फर्दर आई कैन गो फर्दर, देन आई विल मेक इट 282 एंड डू इट फर्दर. लेट अस सी क्या आएगा. आई थिंक सो जनरली स्क्वायर रूट 2 को आप यहां छोड़ देते हो, वी शुड लीव इट हियर, मतलब यू कैन गो ऑन लाइक दिस. So what the value do you get? You get square 2 is equal to under root, square root 2 is equal to 1.41. Similarly, let us do the same thing for square root 3. So 3 start. 1 1 ja 1. I can't take 2 because it will become 4 then. So I have to take 1. So 1 1 ja 1. Remainder 2. Okay. 1, 2 is 2. So now, no matter what I put it here, it will become smaller than this. So I put a decimal here and take 2 zeros. Now, I think 10 nahi hoga, 8 nahi hoga, 7, 8 try karke dekhta. 8, 8 is 64, carry 6. 8, 2 is 16, 6, 22 ho jayega na. I have to use 7. 7, 7 is 49, carry 4. 7, 2 is 14. 14, 4, 18. Okay, 2 more 0. 17 ko double karo, 34. Okay, so I think 3 jayega. 3, 3 is 9. 3, 4 is 12, carry 1, which is 9 and 71. And likewise. So square root 3 is equal to 1.73. 2 aata hai, 1.73. Okay. Batao,
लुक एट दिस, लुक एट दिस, सॉरी, लुक एट दिस एंड टेल मी इफ देयर इज एनी स्टेप, देन वी विल डू द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ दिस. हाँ जी, अच्छा नहीं, यू हैव स्क्वायर रूट में यू हैव टू पुट टू जीरो, ये रूल है, दिस इज अ रूल. हाँ, विच पार्ट बताओ. आई हैव डन बोथ द प्लेसेस, टेल मी, यू कैन टेक पिक अप एनीवन एंड टेल मी सर ये नहीं समझ में यहां से क्या करना है. हाँ, तो थ्री का शुरू किया पहले, आई कांट टेक टू टू, सो आई हैव टेकन विद वन एंड वन वन जा वन, रिमाइंडर इज टू. आई मल्टीप्लाइड दिस. Now, if it is equal to this, there is no way, there is no number which I can take here, because the 1 is, 2 is going to be small, 2 is going to be lesser than this. If I take 2, 1, it will become 21. Upar rahega 2, niche rahega 21. Upar rahega 2, niche rahega 21, which is not allowed. So what I'll do is, I'll put a decimal here and borrow 2 zeros now. Once I've borrowed 2 zeros, now it is the normal process. The only thing you have to keep in mind is, when you are run into a situation where your dividend will be smaller and division will be greater, you have to put a decimal here and take permission for putting zeros. That's all. Otherwise, there is no difference from the long division method. No difference other than the long division method. Only thing, whenever you come across a number which is smaller than the division, you put a zero. जब हम लोग डेसिमल का कर रहे थे तब क्या कर रहे थे, हम नॉर्मल स्क्वायर रूट निकाल रहे थे. द मोमेंट वी सॉ अ डेसिमल, वी पिक अप द डेसिमल, पुट इट ऑन टॉप एंड नॉर्मल कंटिन्यू करते थे. ओके, चल थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी. आई शेयर द क्वेश्चंस, पहले एनसीईआरटी को खत्म कर दो. वी विल नॉट डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी. If any question you say, sir, ye wala kab kar lete, that will do. Yeah. Abhinav, kya message delete kar raha bhai tu? Nahin. Yes, pehle ye. Okay. Just go through this. If you want me to do any particular question, I will do it. Meanwhile, I'll look for other questions. ओके, देखो इसमें कोई क्वेश्चन करना तो बताओ मेरे को, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो कल तुम लोगों को मैंने एक्सरसाइज दी थी. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव बीन एबल टू डू एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव बीन एबल टू डू. कर लेते हैं, लेट मी सी. ओके, बस ये एडेड वाला तो हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल का, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मेरे ख्याल से तुम लोग कर लोगे, 100 प्लांट्स का भी हो गया, ये भी कर लोगे तुम लोग. फाइंड द नंबर नीड्स मोर टू बी डन, आई थिंक इसका आंसर आएगा 2424, 32 का स्क्वायर करने के लिए 500 का भी हो जाएगा. ठीक है, ऑल राइट, छोड़ देते इसको अभी. वी विल गो टू अनदर एक्सरसाइज व्हिच आई गिव यू यस्टरडे, उसके अंदर है ऐसे क्वेश्चंस. फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड 12.96 और 3136. 12.96 का करते, ठीक है, करें. ओके, बट ये तो नॉर्मल ही है, इसमें डेसिमल का नहीं है. ठीक, वेट करो गाइस. क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ मेरे को. I am writing chat box. Please put it in the chat box. Question number 1. Any problem? Yeah. Tell me. No, yes, no. Likho bhaiya, dekho. Respond karo. ओके, सेकंड पार्ट के दो तरीके से करेंगे, जैसे मैंने सिखाया था दोनों तरीके में करके दिखाता हूँ. जस्ट टेल मी द नंबर 12 पॉइंट समथिंग ना, क्या है?
सो 12.96 है। दो तो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, नॉर्मल तो डायरेक्ट मेथड से शुरू कर लो, पेयर अप, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 3। ओके, यहां जैसे ही मैंने देखा मुझे लगा आगे आगे तो डेसिमल आ गया, आई विल पिक अप द डेसिमल पुट इट हियर। नाउ 3 2 जा 6 एंड 9 6 को नीचे ले आए, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर, राइट। नाउ 6 है तो आइदर आई विल यूज 4 और आई विल यूज 6। पहले 4 से देखता हूँ, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 जा 5 25, नो नॉट अक्वायर्ड, 6 जाएगा। दिस इज फर्स्ट मेथड। नाउ लेट अस लुक एट सेकंड मेथड ऑफ दिस। सेकंड मेथड 12.96 कैन बी रिटन एज, डेसिमल हटाओ, दिस कैन बी रिटन एज एस। सो दिस इज 1296 अपॉन अंडर रूट 100। स्क्वायर रूट 100 का तो पता ही है 10 आएगा, 12 1296 का देख लेते हैं, 1296 फिर अप, 3 3 जा 9, 3 9 6 को नीचे लेके आओ, 6 को डबल करो, 6 6 3 9 6 0, सो 36 अपॉन 10 इजिकल टू 3.6। थर्ड मेथड भी साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं, जो कि शॉर्टकट दिखाया था, मैं देखता हूँ शॉर्टकट तुम लोगों को कितना समझ में आया, प्रैक्टिस एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी ये, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कम हुई है, स्क्वायर रूट की तो होगी, स्क्वायर रूट की कम हुई है। ओके सो गाइस 1296 है, I'll split it into two parts, last two digit and the remaining digits. Now, if I want to get a 6, I will either get a 4 digit or 6 digit. जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, ये तो ये वाला पॉइंट किस 6 आएगा तो क्या क्या डिजिट आएंगे, नो ना, अभी ना ध्यान दो ऋत्विक, मैंने बताया था ये देखना है, ये जो 12 नंबर है ना, ये जो भी डिजिट है, 2 digit, 3 digit, जो भी है, ये किस किस स्क्वायर के बीच में पड़ता है, यार देखने से ही लग रहा है ये के 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है, तो मेरी एक डिजिट तो सेट हो गई, मेरी एक डिजिट 3 है, ये नहीं पता चल रहा यार ये वाली आएगी कि ये वाली आएगी। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर ये 12 9 के ज्यादा पास है ऊपर वाला आएगा, और अगर ये 4 के ज्यादा पास है तो नीचे वाला आएगा। बराबर ही है या थोड़ा दूर है, ये दिस इज 9 10 11 12 एंड कहीं मैंने गलती तो नहीं की, इसी का रहा ना हमारा 6 6 6 6, शॉर्टकट में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मुझे भी हो जाता है। एनीवे 36 आएगा, ये 1296 है ना, 3 3 जा 4 4 जा, चलो छोड़ दो इसको, शॉर्टकट की ट्रिक कई बार मुझे को मेरे को कंफ्यूज कर देती है, बिकॉज़ आई डोंट यूज इट टू ऑफन, बट आई थिंक आई हैव टू नाउ। ओके क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 क्लियर अर्णव, ऑल राइट लेट्स सी अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्या नंबर ऐड करना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एनीबडी किसी को प्रॉब्लम बता जल्दी, ओके आंसर दे दो फिर मेरे को फटाफट। में क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 8200
9 9 81 1 0 0, 9 2 18 18 0, so I have to go for 91 का स्क्वायर. 91 का स्क्वायर विल बी 2 into 9 into 1 इक्वल टू 18 एंड 0 1 81 18 1 8 2 8 2 8 1, so 8 2 8 1 minus 8 2 0 0, my answer should be 81. हाँ भाई सभी का ही आंसर आया. कौन सा वाला? मतलब विच स्टेप मैं पूछ रहा हूँ. अच्छा यार, ये तो अपने को पता चल गया ना कि जब भी हमें ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, और जो भी स्क्वायर रूट हो रिमाइंडर को देखते नहीं है, जो भी नियरेस्ट स्क्वायर रूट आ रहा उसका एक नंबर ऐड करके उसको स्क्वायर कर देते हैं. ठीक है, इतना ठीक है. तो जब मैं स्क्वायर रूट निकालने लगा तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये 100 180 से छोटा है, 180 से छोटा है. तो मैंने कहा भाई ठीक है, इस रिमाइंडर को छोड़ देता हूँ, 90 आ गया मेरे पास, मैं 91 का स्क्वायर कर लेता हूँ. मैंने 91 का स्क्वायर किया तो 8 2 8 1 आया. 8 2 8 1 चाहिए मेरे को, परफेक्ट स्क्वायर 8 2 8 1 है, लेकिन मेरे पास नंबर क्या है 8 2 0 0, इसको मैं माइनस कर दूंगा इसमें से. आई विल गेट व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर. नंबर था क्वेश्चन, ये है व्हाट शुड बी एडेड टू 8200 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. मैंने परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकाला तो मुझे पता चला इसका स्क्वायर रूट है जो 90 है और कुछ रिमाइंडर बच रहा है. रिमाइंडर को मैंने देखा नहीं, मैं वापस चला गया ऊपर और मैं 90 का प्लस 1 करके स्क्वायर नंबर ले लिया, 91 का स्क्वायर निकाला. मुझे पता है कि इस नंबर में थोड़ा सा कुछ ऐड कर दूंगा ना तो ये 91 का स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, तो उसका स्क्वायर निकाल लिया, क्या 91 का स्क्वायर, उसमें माइनस कर दिया उसको. अगर पूछता क्या सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, मैं बोलता भैया सुनो इसमें से 100 स्क्वायर 100 माइनस कर दो, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. देखो गैस, ऐसी इशू ये है कि हम एक दिन और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, हम दो दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बट हमारे हम ये नहीं कर सकते कि तुम में से आगे लोग समझ में आए और मैं आगे लेके चला जाऊँ तुम्हें इसको चैप्टर को छोड़ के. तो तुम मेरे को रोको, कोई इशू नहीं है, मैं आई गिव मोर टाइम, बट आई वॉन्ट यू ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड जो प्रॉपर मेथड है. ओके, ये क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं दिया मेरे को, और ना मैंने दिया था वो भी गलत हो गया. ओके लेट्स गो टू, हाँ जी ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम. Okay, let's go to the next number. Find the difference in 777 and its nearest perfect square number. Okay, इस क्वेश्चन को ऋत्विक कैसे करेंगे? क्वेश्चन ऋत्विक एक बार क्वेश्चन पढ़ना. ठीक है, मेरे को इसको we will या कैसे करें? ठीक है, ओके. देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी लगे, सब लोग सुनो, मैं कर रहा हूं उसको, क्योंकि सी द नंबर इज 777. मैं पहले इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं दोस्तों. पेयर अप, 2 2 जा 4, बचा 3. ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर, 2 को 4 से 2 को डबल करो 4 आ जाएगा. ओके अब देखते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करूं. आई थिंक 7 से ट्राई करता हूं, 8 से ट्राई, 8 से नहीं होगा, 8 से बड़ा हो जाएगा, 7 से करें. 7 7 जा 49, कैरी 4. 7 4 जा 28, 28 एंड 4 32,
एक से ट्राई करके देखें। जस्ट आई एट 8 8 64 कैरी 6 8 4 32 1 6 38 सेवन सी हुआ। नहीं बट दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका कोई और डिजिट है इसको परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अर्णव ये गलती मतलब ये कंफ्यूजन मत रखना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नंबर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो 7 यहाँ अलाउड ही नहीं था, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो 7 8 2 3 तो होते नहीं इसके अंदर। 7 7 49 कैरी 4 7 4 28 32 ओके। चलो भाई कितना बच गया, जो भी बच गया 17 - 9 इज इक्वल टू 8, 6 - 2 इज इक्वल टू 48 बचा दोस्तों। जो नियरेस्ट इसके नंबर है वो 48 कम है इससे, तो कौन सा नंबर होगा वो 777 से 48 में माइनस कर रहा हूं, सो ये आएगा 17 - 9 एंड 6 - 2 729 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 729 का परफेक्ट स्क्वायर, 729 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं 48 नहीं, उसका इसके अंदर देयर इज अनदर दिस थिंग, मुझे कुछ अगर ये एक मिनट माइनस प्लस की छोटी मोटी कोई मिस्टेक है, जस्ट चेक। ऑलराइट 2 2 4 3 77 7 7 जा 49 कैरी 4 7 4 जा 28 एंड 4 9 ठीक है। 17 - 9 is 8 6 - 2 is 4 48 ओके ओके। तो 7 7 7 - 48 17 - 8 is 9 6 - 20 29 तो 29 इसमें से हम माइनस कर देंगे, 729 स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर, ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर है। तो एक नंबर तो इसके पास 48 है, एक बार 28 का भी तो देख लें, 28 कितना दूर है यहां से, 28 का स्क्वायर कितना दूर है देख लेते हैं। 28 का स्क्वायर is equal to 2 into 8 into 2 28 so 64 04 28 4 14 carry 1 7 7 4 4 so 28 का जो स्क्वायर है दोस्तों वो ये है, और 29 का स्क्वायर जो है वो है 27 का स्क्वायर है और 28 का स्क्वायर है, कुछ नहीं 32 ना, ठीक है 784 होगा ना, ओके सो हाँ 32 सो 4 8 7 8 4 ओके। अब हमारे पास एक दो नंबर है, वन नंबर इज 27 स्क्वायर विच इज 729 एंड वन नंबर इज 28 स्क्वायर विच इज 784 और बीच में हमें एक नंबर दे दिया विच इज 777। अब बताओ ये नंबर इसके पास है कि इसके पास ज्यादा है, नियर टू विच 784। So, अगर तुम गलती से आंसर लिख देते अर्णव के सर 27 है तो ये रॉन्ग आंसर हो जाता था। द क्वेश्चन सेज दिस नंबर इज नियरर टू द स्क्वायर ऑफ विच नंबर और विच इज नियरर टू विच स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आर आंसर विल बी 784। 788 इज नियरेस्ट टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर 784 विच इज 28 स्क्वायर, अंडरस्टूड। इसलिए दोनों तरफ से देखना पड़ता है, एक तरफ से नहीं, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ अब
0.90 वो है जो मैंने तुम्हें डेसिमल का सिखाया था, मैं करके दिखा रहा हूँ एक बार तुम लोगों को, आई विल शो इट टू यू हाउ इट इज टू बी डन, सो दैट यू गाइस गेट कॉन्फिडेंट एंड देन वी विल प्रैक्टिस विद इट. जल्दी कर. Do make your notes using these notes. Board पे जो notes हैं उनको देख के. Okay. So I have to find out the square root of 0.90. 0.90. Square root of 0.90. I can write this as 90/100. Square root or square root of 90/100. This is equal to 10. अब 90 का square root निकालना, तो मैं शुरू कर रहा हूँ 90 का square root निकालना. देखो 90 एक ही pair है, 9 9s 81, I am left with 9 और ये आ गया 18, ये है बड़ा. तो now I need to put a decimal. अब decimal लगाना पड़ेगा मेरे को शिव, तो क्योंकि ये छोटा है तो डेसिमल लगाते मुझे परमिशन मिल जाएगी 2 0 लगाने की इधर. एंड नाउ आई विल सी, आई थिंक 4 से जाएगा, 4 4 16 कैरी 1, 4 8 32 एंड 1 33 कैरी 3, 4 1 4 एंड 3 7. 5 में कर नहीं सकता था क्योंकि 18 5 90 होता, ज्यादा हो जाता. ऑल राइट एंड देन अच्छा, हाउ मेनी प्लेसेस डेसिमल के? 3 प्लेसेस. ओके सो 4 6 2, 94 का मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बिकम 188. ओके अगेन 2 जीरोस, राइट, लेट अस सी वेयर डज इट टेक अस. ठीक है, अगर मैं 5 करता ज्यादा देता, ठीक है इतना ठीक आया, कोई नहीं, 00 लगा दी इधर. ओके 88. ट्राई करता हूँ, 8 8 64 carry 6 8 64 64 and 7 carry 7 8 1 8 8 and 7 15. Okay, I'll try with 9. वारा से 8 से करते हैं, मुझे आई थिंक सब कुछ मिस्टेक हुई है. 8 8 64 carry 6 8 8 64 64 and 6 70 carry 7 8 8 64 64 and 7 71 1 carry 7 8 1 8 and 7 15. मुझे छोटा लग रहा है ये बार बार, 9 से करके देखता हूँ एक बार. ओके 9 9 81 कैरी 8, 9 8 72, 72 and 8 80, 0 कैरी 8, 9 8 72, 72 and 8 80 कैरी 8, 9 1 9 9 and 8 70. ये मिस्टेक थी, इट इज 164.
64 कैरी, 6 864, 670 कैरी, 7 64 171 कैरी, 7 8 1 8 एंड 7 15 वट एवर कम्स. ओके सो बेसिकली व्हाट आई हैव इज हियर 9.48. सो 9.48 upon 10. आंसर इज 0.0.948. हाँ भाई किसको दोबारा समझाओ बताओ. या टेल मी हु ऑल वांट्स टू दिस टू बी एक्सप्लेन्ड अगेन. एनीवन अर्णव. ओके दोबारा समझा दो. ओके नाउ पे अटेंशन. ओके वी स्टार्टेड विद दिस. हाउ डिड वी स्टार्ट? वी स्टार्टेड विद 90 दोबारा. सो मैं सारे स्टेप्स नहीं कर रहा हूं, मैं यहां कॉपी करता जाऊंगा स्टेप्स टू सेव टाइम. सी आई स्टार्टेड विद 19. 9 9 81 यहां तक ठीक है अर्णव हर्षिया ऋतिक. ओके नाउ व्हाट डज द रूल से? रूल से डबल करो इसको. कर दिया डबल. नाउ दिस इज स्मॉलर. आई हैव टू पुट अ डेसिमल हियर एंड आई पुट अ डेसिमल हियर सो आई हैव पुट टू जीरोस हियर. ये यहां तक ठीक है शिखा शिया अच्छा दिया सब लोग कंफर्म करो मेरे को यार. ओके यहां तक ठीक है ना. तो मैंने यहां अगर मैं 5 करता तो 5 5 25 कैरी 2 5 18 5 ये मेरा बड़ा आ जाता. तो मैं 5 नहीं ले रहा हूं, मैं 4 ले रहा हूं इधर. ओके और जब मल्टीप्लाई करके लिखता हूं यहां पे तो मेरे को मिलता है 736. मैं इसको माइनस कर रहा हूं अभी. सो 4 6 8 - 7 = 1 164. ओके मेरे को लेकिन वो क्वेश्चन के अंदर बोला आई नीड डेसिमल अप टू 3 प्लेसेस. एक प्लेस तो मेरे को ये 10 दे देगा जब मैं डिवाइड करूंगा. यहां मुझे कम से कम 2 चाहिए, कम से कम 2. तो मेरे को एक बार और करना पड़ेगा. वंस मोर आई हैव टू डू इट. सो आई एम डूइंग दैट नाउ. सो 164 बचा. आई हैव गिवन इट 2 जीरोस व्हिच इज अलाउड आफ्टर डेसिमल एंड आई मल्टीप्लाइड दिस बाय 2. सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 8 and 8. राइट नाउ लेट अस सी. मैंने 9 से ट्राई किया था तो बड़ा हो रहा था. हमें 8 से ट्राई किया दोबारा इसको. सर 8 से ट्राई किया तो मेरे को मिला 15104. अब मेरे को बॉदरेशन नहीं है कि क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि छोटा ही आ रहा है इससे. 9 से बड़ा जा रहा था. आई लीव इट हेयर एंड टेक अंडर रूट 90 एज 9.48. अंडर रूट 90 एज 9.48. नाउ 10 इज ऑलरेडी हेयर इन द डिनोमिनेटर. So the actual value will come 0.948 and this is my answer. So 0.90 ka square root kya hoga? 0.948. Another thing you need to observe here is all the numbers who are lesser than 1, numbers which are lesser than 1, their square root is bigger than them. So agar yahan pe number aapka 0.90 tha, uska square root is greater than that. 9.48. जितना ही छोटा नंबर होता जाएगा उतना ही ये बड़ा होता जाएगा. सिमिलरली द केस विद द फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस के अंदर भी जितना ये फ्रैक्शन जो भी होगा इससे बड़ा आएगा इसका आंसर यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 1/4 स्क्वायर रूट योर आंसर विल बी 1/2. दिस इज अ लार्जर नंबर, दिस इज अ बिगर नंबर. ओके इन दिस सिया कंफर्म कर मेरे को. सिया इज ओके ना? ओके अर्शिया अंडरस्टूड? सिया अंडरस्टूड? वंश श्रीका ऋत्विक अभिनव? हाँ ठीक है. ओके सो व्हाट आई विल डू इज आई थिंक व्हाट डू यू से वी शुड गिव इट मे बी अ डे और टू मोर. वी शुड डू मोर क्वेश्चन फ्रॉम आर डी शर्मा एंड अदर बुक्स एंड कंप्लीट दिस अरिहंत. हाँ जी आई थिंक दैट विल बेटर, नहीं तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी अपनी. ओके तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 दिन मैम को बोलता हूँ वो प्रैक्टिस कराएंगे आपको और उसके बाद मंडे ट्यूजडे बहुत सारे तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे. शी विल गिव यू नंबर एक्सरसाइजेस. इफ शी इज नॉट एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन प्लीज कीप देम विद यू एंड आई विल सॉल्व देम ऑन मंडे ट्यूजडे विद यू. ओके गाइस ऑलराइट. ओके
सी दैट, गुड नाइट, आई विल सेंड सम मोर एक्सरसाइजेस, प्लीज डू दैट, एंड जो भी नहीं आ रहे ना क्वेश्चन नोट करके रखो, गिव इट टू मी ऑन मंडे, आई विल सॉल्व देम. ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट बाय, गुड नाइट, गुड नाइट बाय गाइस, गुड नाइट. अभिनव बाय, अर्णव बाय, श्रीका बाय 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 गाइस, बाय बाय बाय, गुड नाइट.